बॉलीवुड के पावर किंग और बॉलीवुड की पावर क्वीन के बीच की पिछले करीब 2-3 महीनों से चली आ रही जंग अब काफी दिलचस्प हो गई है। मुंबई के एक अखबार में एकता कपूर ने साफ बता दिया है कि वो शाहरुख खान से बेहद नाराज हैं। एकता कपूर की शाहरुख खान से नाराजगी की वजह ये है कि शाहरुख खान ने अपनी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस की स्क्रीन्स को कम नहीं किया। इस वजह से वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा को उतनी स्क्रीन्स नहीं मिली जितनी स्क्रीन्स में उसे रिलीज करने की तैयारी एकता कपूर ने की थी। 2200 की जगह एकता को अपनी फिल्म 1600 स्क्रीन्स में ही रिलीज करनी पड़ी और एकता को लगता है कि इसी वजह से उनकी फिल्म को उम्मीद के मुताबिक बिजनेस नहीं मिला। 9 अगस्त को ईद के मौके पर आई चेन्नई एक्सप्रेस ने रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग की। उसके बाद चेन्नई एक्सप्रेस ने रिकॉर्ड्स तोड़ने की स्पीड ऐसी पकड़ी कि अब तक उसे कोई रोक नहीं पा रहा है। जबकि एकता को उम्मीद थी कि लोग चेन्नई एक्सप्रेस के बाद उनकी फिल्म के सीक्वल को देखने के लिए दोबारा जरूर आएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। व्यूअर्स के थिएटर्स तक ना आने की शिकायत व्यूअर्स से तो नहीं की जा सकती, इसीलिए शाहरुख को एकता ने अब निशाने पर ले लिया है। पहले शाहरुख ने ईद पर अपनी चेन्नई एक्सप्रेस को वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा से होने वाली सीधी टक्कर से बचा लिया। उसके बाद शाहरुख ने 15 अगस्त को अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एकता की फिल्म को वादे के मुताबिक स्क्रीन्स नहीं दिए। फिर रक्षाबंधन के मौके पर भी व्यूअर्स को फ्री टिकट्स का ऑफर देकर लुभाया, जिसका असर कुछ ऐसा हुआ कि चेन्नई एक्सप्रेस 192 करोड़ रुपए का बिजनेस करके साल 2013 की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है। दूसरी तरफ 85 करोड़ रुपए लगाकर वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा बनाने वाली एकता कपूर को अपनी फिल्म का लगाया हुआ पैसा निकलना भारी पड़ रहा है। बिजनेस और कंटेंट अच्छी तरह समझने वाली एकता कपूर को वैसे अपनी फिल्म के उम्मीद के मुताबिक ना चल पाने की असली वजह भी जरूर पता होगी, लेकिन उन्होंने इसके लिए भी शाहरुख को निशाने पर ले लिया। सोर्सेस का कहना है कि चेन्नई एक्सप्रेस की स्क्रीन्स कम करने के लिए जितेंद्र ने भी शाहरुख को काफी बार फोन किए, लेकिन शाहरुख फोन पर बात करने के लिए आए ही नहीं। बॉलीवुड के बादशाह की इन चालों के आगे इस बार बॉलीवुड की क्वीन के पास कोई जवाब नहीं था। और जिस तरह से अब एकता ने शाहरुख पर नाराजगी जताई है, उससे ये बात भी साबित हो गई है कि फिल्म बेचने और फिल्म बचाने में SRK अब भी किंग हैं। उनसे टक्कर लेने वाले अपनी साख ही बचा लें तो भी वो बड़े नुकसान से बच जाएंगे, क्योंकि हमारे फोन पर तो शाहरुख ने एकता की नाराजगी का जवाब देने से भी मना कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।